उधर गोपालगंज से बड़ी खबर, जो है 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, जिसमें कई लोग बीमार है। कुछ लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती करा गया। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। बैकुंठपुर के बसा गांव में 2 और सोनवलिया गांव में 1 की मौत हुई है। मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई, जिसमें कई लोग बीमार है। कुछ लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। बैकुंठपुर के बसा गांव में 2 और सोनवलिया गांव में 1 की मौत हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो गोपालगंज से खबर, 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। कई लोग अभी भी बीमार है और इलाज करा रहे हैं अस्पताल में। कुछ लोगों को सदर अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। बैकुंठपुर के बसा गांव में 2 और सोनवलिया गांव में 1 की मौत हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मंजेश, हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मंजेश, क्या कुछ पूरी जानकारी आ रही है, क्योंकि मामला जहरीली शराब से जुड़ा हुआ है? हाँ जी, मैं बता दूं कि पूरा मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सोनोलिया और बसा गांव का है, जहां 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, जिसमें पुलिस के कहने पर 3 लोगों का शव जला दिया गया है। लेकिन अभी तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी 1-2 लोग की आंख की रोशनी चली गई है। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूश तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस कुछ कहने से भी बच रही है, क्योंकि ये जो मामला है वो जहरीली शराब से जुड़ा हुआ है। आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि सभी लोगों ने शराब का सेवन किया है। 3 लोगों की अब तक मौत हुई है। कई लोग बीमार है, अस्पताल में इलाजरत है। बेटा बेटी के बेटे के मंगवाई डाले, कमाए कमा के और पी के दादू के रूपया दिल कर।